खबर बलिया जनपद से, जहां आज इंद्रासन मेमोरियल जन सहयोग कॉलेज में जाने के बाद देखने को मिला कि कोविड गाइडलाइन का पालन बहुत ही शानदार तरीके से किया जा रहा है। बताते चले कि इंद्रासन मेमोरियल जन सहयोग कॉलेज में बलिया जनपद के नवापुरा गांव निवासी नीतीश चौहान, जो पिछले दिनों गोवा में हुए खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत 3 गोल्ड 2 सिल्वर जीते, तो उन्हीं के स्वागत समारोह का आयोजन इंद्रासन मेमोरियल जन सहयोग कॉलेज में किया गया। नीतीश कुमार चौहान जब विद्यालय पहुंचे तो बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। विद्यालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में नीतीश कुमार चौहान के माता पिता भी शिरकत किए। विद्यालय के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने नीतीश को माल्यार्पण कर अंगवस्त्र से सम्मानित किए। प्रधानाचार्य रजत तिवारी ने मोमेंटो देकर नीतीश कुमार का अभिवादन किया। नीतीश ने अपने भाषण में बच्चों को खेल में आगे बढ़ने के कुछ मूल मंत्र भी बताए और साथ ही यह बताया कि जीवन में सफल होने के लिए कठिन परिश्रम सही समय पर करना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, नीतीश कुमार चौहान गोवा के मडगांव में खेलो इंडिया और फिट इंडिया के तहत नेशनल यूथ गेम्स चैंपियनशिप 2021 के तहत मार्शल आर्ट अंतर्गत ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और कलारी पैटू खेलों में 3 गोल्ड जीत कर रशा सहित बलिया जनपद को गौरवान्वित किया है। इस दौरान नीतीश ने कहा, 2024 में फ्रांस के पेरिस में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर राष्ट्र को गौरवान्वित करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 9 की छात्रा अंशिका सिंह ने किया। सभी अध्यापक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना संपूर्ण योगदान दिए। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका रेणु सिंह ने सबका आभार प्रकट किया।